बातें बहुत सही है, तो इन्हें समझना अच्छे से, ठीक है। तो देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसको हम बाद में पढ़ते हैं, पहले मैं बताता हूँ कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस किस में यूज होती है, ठीक है, समझना। जैसे जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे समझना, बहुत अच्छा सीखोगे, बहुत अच्छा। देखो बच्चों, चार तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, वो कौन कौन सी होती है पहले याद कर लो। पहली होती है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। मुझे पता है आपको ये सारी चीजें नहीं पता, लेकिन आप एक नोट सुनाओ, एक एक चीज क्लियर कर दूंगा, ठीक है, पूरा विश्वास रखना। पहली होती है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। दूसरी होती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्या होती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। थर्ड होती है भाई डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है देखो। और फोर्थ होती है ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, बस हमें ये नाम याद रखने हैं अभी क्या क्या होते हैं। तो ये जो चार प्रॉपर्टीज होती है एक्चुअल में, जो आपका बोर्ड का एग्जाम होता है या आपका जो पूरा सॉल्यूशन चैप्टर है, वो पूरा चैप्टर सिर्फ इन चार चीजों पे बेसिस पर है। मतलब अगर आपको ये चार चीजों में मास्टर हो गए, तो पूरे सॉल्यूशन हर चीज आप पूरी एनसीईआरटी से पढ़ोगे, खुद से समझ जाओगे, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। पहले इन चीजों को समझते हैं, क्योंकि फिर जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की जो डेफिनेशन है ना, फिर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि होता क्या है। तो आप जल्दी से पेन कॉपी निकालो और हेडिंग डालो, क्या है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। काफी मजा आएगा, बिल्कुल एक अलग अंदाज में सिखाऊंगा, ठीक है। तो इसे हटा दे रहा हूं मैं, तो स्टार्ट करते हैं। अब आप पेन कॉपी निकाल लो फटाफट, और इसकी डेफिनेशन ये क्या होता है सब सिखाऊंगा अच्छे से। तो हेडिंग डालो आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, चलिए तो अब शुरू करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। चलो आज छोटी 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 बात पूछता हूँ मैं आपसे, एक बात बताओ, आपको ये बॉइलिंग का मतलब पता है या नहीं, बॉइलिंग का मतलब क्या होता है। देखो तो आपने 8th क्लास में 10th क्लास में छोटी सी चीज सुनी होगी कि जैसे इसके अंदर क्या हम रखते हैं, इसके अंदर क्या रखते हैं, हम क्या रखते हैं, वाटर रख देते हैं, क्या रख देते हैं, वाटर, ठीक है। इतना पता है ना, इसके अंदर क्या रख दिया हमने, बीकर के अंदर वाटर रख दिया। और फिर आप यहाँ पर क्या करो, इसको यहाँ क्या करो, आप हीट करो, क्या करो, हीट करो, ठीक है। जैसे आप इसको हीट करते हो तो आपको पता है क्या होता है, ये जो वाटर है, ये वाटर अभी किस में है, समझना बात को पूरी अच्छे से, आप खुद से कंसेप्ट बनाओगे आज केमिस्ट्री का। ये वाटर किस में है, ये वाटर आपका लिक्विड फॉर्म में है या नहीं है, हाँ या ना, लिक्विड में है ना। लेकिन जब आप इसे हीट करते जाओगे, हीट करते जाओगे, हीट करते जाओगे, तो ये ऐसे वो बाद में ये वाटर क्या होता जाएगा, ये ऐसे उड़ेगा वाटर या नहीं उड़ेगा, उड़ रहा है या नहीं, है ना, उड़ेगा ना। या फिर हम इसे बोलें कि अब ये जो वाटर है, यही वाला वाटर अब क्या हो गया, हवा में उड़ने लगा ना, ठीक है। और जो चीजें हवा में उड़ती हैं, ये लिक्विड वाली जो चीजें हवा में उड़ती हैं, इनको हम गैस नहीं बोलते, इनको हम वेपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेपर। गैस फॉर्म में ही होती है, क्योंकि जो उड़ रही है गैस वाली चीजें तो उड़ती हैं, लिक्विड वाली थोड़ी उड़ती है ना। तो ये वेपर की फॉर्म में है, इसका एक नया नाम होता है वेपर। तो वेपर क्या होता है, उड़ता हुआ पानी वेपर होता है, उड़ता हुआ पानी क्या होता है, वेपर, समझ गए। लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करना, सुन लो बात मेरी अच्छे से, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करना, इसी चीज को हम बोलते हैं क्या, बॉइलिंग। क्या बोलते हैं, बॉइलिंग, समझ गए यानी। ये बिल्कुल टेंथ की बात है कि लिक्विड से किसी चीज को किसमें कन्वर्ट कर दो, वेपर में, इसको आप क्या बोलोगे, बॉइलिंग बोलेंगे। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग। अब देखो जैसे आपने ये हीट दिया, सोचो थोड़ी सी आप थोड़ी हीट दोगे तो क्या ये पानी हो जाएगा, कि इतना सारा पानी और आपने बस एक कैंडल जला ली तो क्या ये हो जाएगा, नहीं, हमें ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, है ना, ज्यादा हीट देंगे। और मेरी बात आप कान खोल के सुनना, तो इसका टेम्परेचर क्या चीज, इसका टेम्परेचर, सुन रहे हो ना, हम यहाँ पर ज्यादा ज्यादा हीट देते जाएंगे तो इसका टेम्परेचर पानी का बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे ही बच्चों इसका टेम्परेचर 100 केल्विन हो जाएगा, सॉरी, जैसे ही इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस, सो ये वाटर क्या हो जाएगा, सो ये वाटर उड़ जाएगा, समझे या नहीं। तो जिस टेम्परेचर पे, कान बोल के सुनो, जिस टेम्परेचर पे कोई भी लिक्विड या वाटर, कोई भी चीज बॉयल होती है, जिस टेम्परेचर पे कोई भी चीज बॉयल होती है, उस टेम्परेचर को आप बोलते हो बॉइलिंग पॉइंट, उस टेम्परेचर को आप क्या बोलते हो, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये तो थी भाई टेंथ की बात, जो पता होनी चाहिए कि बॉइलिंग क्या होती है, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करना बॉइलिंग।
जैसे टेम्परेचर पे वो होता है ऐसे ही नहीं होता है। 99 पे भी वाटर बॉइल नहीं होगा, गर्म होगा, पानी गर्म होगा लेकिन बॉइल नहीं होगा। बॉइल का मतलब क्या, उड़ेगा नहीं, वेपर फॉर्म में नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वो टेम्परेचर आप कहाँ पहुंचा दोगे, 100 डिग्री सेल्सियस, उसी टाइम पर बच्चों को क्या हो जाएगा, बॉइल हो जाएगा। इस पूरी चीज को हम बोलते हैं बॉइलिंग। ठीक है, देखो एक चीज और यहाँ पर ऐसे करके लिख लेना, बहुत छोटी सी चीज है, 9th क्लास में आती है क्या, कि 0 डिग्री, ये डिग्री सेल्सियस और केल्विन में, कि डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होता है, 273.15 प्लस के, सॉरी के बराबर 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। अभी समझ जाओगे ये भी कितनी छोटी बात है, क्या है कि अगर आपको केल्विन निकालना है कि ये कितने केल्विन है, तो क्या करना है, देखो बहुत इजी, दो होते हैं टेम्परेचर, एक तो केल्विन, एक सेल्सियस। ठीक है, क्लियर कर लो एक मिनट में। देखो अगर आपको 100 डिग्री सेल्सियस पता करना है कि कितने केल्विन होता है, तो बस उसमें 273.15 जोड़ दो और कितने डिग्री सेल्सियस में, 100 में, तो आंसर कितना आएगा, 373.15 केल्विन। समझ गया या नहीं, ये किसमें आ गया, केल्विन में, 373.15। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस भी बोला जाता है, या वाटर का और क्या बोला जाएगा, 373.15 केल्विन भी बोला जाएगा। समझ गया, ये 0.5 चाहो तो हटा सकते हो, क्योंकि 0.5 एक छोटी सी वैल्यू है, हटा दो, लेकिन चीज समझ गया ना। और ये बहुत इजी है, कोई भी डिग्री सेल्सियस दे दे आपको, बोले कि 200 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करो, तो कैसे करेंगे, सिंपल 273.15 जोड़ देंगे 200 में, आंसर कितना आएगा, 473.15 क्या, केल्विन, है ना। चीज समझ गया ना, केल्विन वाला, ये बॉइलिंग वाली सारी चीज समझ गए। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, हटा दे रहा हूँ। ठीक है, याद रखना केल्विन में करने के लिए 273.15 ऐड कर देंगे, और इन चीजों को आप प्लीज रख लेना ऐसे साइड में, जिससे आपके कंसेप्ट अच्छे रहे। तो इनकी बात समझ गए या नहीं। अब बच्चों एक चीज देखो, देखो अब मुझे बताना एक बात। ठीक है, इस पानी को बॉइल करने के लिए हमें क्या लग रहा था, 100 डिग्री सेल्सियस लग रहा था, है ना। इस चीज को हम क्या बोल रहे थे, बॉइलिंग। कंसेप्ट ये है क्या, कि प्योर पानी, याद लिखता हूं मैं, इधर ध्यान देना, प्योर वाटर एक तरीके से प्योर सॉल्वेंट ही था, ये सॉल्यूट सॉल्वेंट के बारे में हमने बताया है या नहीं। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट, प्योर वाटर एक प्योर सॉल्वेंट है या नहीं है, या कोई भी प्योर लिक्विड क्या है ये, देखो यहाँ पर पूरा समझ में आ जाएगा, मुझे पता है आपके बहुत आराम से, ये अभी क्या है, सॉल्वेंट है या नहीं है, चीज समझना बात, अभी ये पूरा सॉल्वेंट है या नहीं है, सॉल्वेंट है ना। अब बताओ बेटा, अगर आप इसमें कोई और जैसे कोई भारी सी चीज डाल देते हो, क्या डाल देते हो, कोई भारी सी चीज, ठीक है, और उस चीज को हम क्या बोलेंगे, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, बताओ क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं, है ना। अब इसके अंदर आपने पानी के अंदर कुछ डाल दिए, पत्थर डाल दिए, समझ गए, क्या डाल दिए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब है जो पानी के अंदर बैठ जाएगा, समझ गए, आलसी सॉल्यूट जो जाके पानी में बैठ जाएगा, वो उड़ेगा ही नहीं, समझ रहे हो या नहीं। तो उस चीज को जो उड़ता नहीं है उसको हम बोलते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जैसे ही हमने इसका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, तो आप खुद से बताओ, कंसेप्ट को खुद बनाओ, जैसे ही आपने पानी के अंदर क्या करा, एक प्योर सॉल्वेंट लिया, ये ना, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट को उबालना था, बॉइल करना था, तो आपको टेम्परेचर कितना लग रहा था, यही 373.15 आया ना। लेकिन अगर आप इसके अंदर कुछ डाल देते हो और फिर आप हीट करते हो, तो क्या, खुद से सोचो, क्या ये 100 डिग्री पर उबलेगा, क्या ये प्रोसेस 100 डिग्री पे होगी बॉइलिंग, नहीं। आपको खुद को पता है कि ये बॉइलिंग अब थोड़ा आगे जाके होगी, है ना, पहले जो काम 100 पे हो रहा था, आप समझना, वो काम अब हो सकता है कि 101 डिग्री सेल्सियस पे हो, या फिर हो सकता है कि 102 डिग्री सेल्सियस पे हो। चलो मान लेते हैं कि आप किस पे हो, 102 डिग्री सेल्सियस पे, समझ गए ना, क्यों, क्योंकि जैसे इसके अंदर ये डालेंगे तो ये उसको पानी को उठने नहीं देगा, तो हमें और टेम्परेचर देना पड़ेगा। जैसे ही गिरा, इसके ऊपर गिरा और इसने पानी के मॉलिक्यूल के ऊपर बैठ गया, तो इस बेचारे को उठाने के लिए हमें और एनर्जी देनी पड़ेगी, और टेम्परेचर देना पड़ेगा ना, है ना, समझ रहे, तो हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। अब बताओ एक बात, ये सिर्फ और सिर्फ क्या था, ये सिर्फ और सिर्फ वाटर था ना, ये सिर्फ और सिर्फ क्या था, वाटर, क्या था ये, प्योर सॉल्वेंट, ये प्योर सॉल्वेंट है या नहीं है। जब इस सॉल्वेंट के अंदर हमने इस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया, कोई परेशानी इसमें नहीं। इसी कंसेप्ट को हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसी कंसेप्ट को क्या बोलते हैं हम, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। चीज क्लियर हो गई या नहीं। ठीक है, तो अब बताओ, अब ये इसका क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट,
अब ये क्या हो गया इसका बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट को टी से लिख देते हैं टेम्परेचर, और बी का मतलब हो गया बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट कितना है 102 डिग्री सेल्सियस। पहले बॉइलिंग पॉइंट कितना था 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस किसका है प्योर सॉल्वेंट का। 102 डिग्री सेल्सियस किसका है सॉल्वेंट और सॉल्यूट को दोनों को मिला दिया है, तो ये अब सॉल्वेंट है नहीं। अब ये पूरा ये दोनों मिलके क्या बन गया है ये सॉल्यूशन बन गया। हाँ या ना बन गया ना। तो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, जैसे ही कुछ डालते हैं सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक समझ गए कोई परेशानी नहीं। अब एक बात बताओ ये आपका है अब बॉइलिंग पॉइंट, ये था पुराना बॉइलिंग पॉइंट। तो पुराने बॉइलिंग पॉइंट में ऐसे ही लगा दो ऐसे करके, ठीक है ऐसे लगा दो, एक चिन्ह लगा दो साइन लगा दो, इससे पता चले कि ये जो जब भी लगा होगा ये प्योर की बात है और ये इम्प्योर की बात है। कोई परेशानी नहीं, इतना समझ में आ गया है। अब एलिवेशन का मतलब होता है इंक्रीज। एलिवेशन का क्या मतलब होता है इंक्रीज में होना। हाँ या ना। अब मुझे जल्दी से बताओ कि कितना इंक्रीज हुआ है। जो चीज पहले 100 थी अब वो 102 हो गई। क्यों हुई? क्योंकि हमने वो डाल दिया इसके अंदर। कितना इंक्रीज हुआ है आप बताओ। तो ऐसे ही तो निकालोगे। अब देखो इधर डेल्टा टी बी। डेल्टा टी बी का मतलब क्या है? डेल्टा टी बी का मतलब है इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा टी बी क्या है आपका? इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। आया ना बच्चों बताओ क्या ये इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। इसको ध्यान देना काफी अच्छी चीज है, ठीक है। गारंटी न्यूमेरिकल निकालोगे आप अपने हाथ से देखना। डेल्टा टी बी क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका टी बी। यही तो करोगे आप, वैसे ही तो करोगे। देखो वैसे ही तो करोगे कि अब 102 हो गया, पहले सर 100 था, तो जो डेल्टा टी बी आया कितना इंक्रीज हुआ सर 2 डिग्री सेल्सियस हो गया। हाँ या ना, हो गया नहीं हो गया। तो इसका अगर मैं फॉर्मूला यहाँ बना दूं तो यही तो बनेगा डेल्टा टी बी बराबर टी बी। 102 क्या है टी बी, माइनस 100 क्या है, माइनस 100 क्या है टी नॉट बी। हाँ या ना। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट बराबर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन और माइनस प्योर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन लिख लो यहाँ। ये क्या है बॉइलिंग पॉइंट बीपी ऑफ क्या सॉल्यूशन, क्योंकि उसमें हमने वो डाल दिया ना सॉल्यूट डाल के सॉल्वेंट सॉल्यूशन बना दिया ना। और ये क्या है ये आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्या सॉल्वेंट। चीज समझ में आ गई यानी। तो कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि क्या होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कि प्योर सॉल्वेंट में अगर आप कुछ डाल देते हो तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, और इसी चीज को हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है डेल्टा टी बी बराबर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। तो ये तो था बच्चों कंसेप्ट। अब फॉर्मूला क्या यूज करना है, फॉर्मूला क्या, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस चीज को हटा देता हूँ, ठीक है समझ गए। इसे चाहो तो नोट कर लो अच्छे से, कोई परेशानी नहीं है, हटा दो। और इसमें और अच्छी अच्छी चीजें भी है, काफी अच्छी अच्छी चीजें है जो हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले अभी हम ऐसे न्यूमेरिकल सीख लेते हैं, कंसेप्ट सीख लेते हैं। ठीक है। अब यहां जो मैं लिखा रहा हूं इसको बहुत अच्छे से नोट कर लेना, हैशटैग नोट अभी करना है। क्या नोट करना है सर?